इसमें थोड़ी सब्जी डालो ना। थम थम, मेरा एक बार थम बोलने पर पूरी पलटन थम जाती है। मैं 10 बार थम बोल चुका हूँ, आपकी कड़ची रुकने का नाम ही नहीं लेती। अगर रेशमा तू फौज में होती तो तेरे को पिट्ठू लगवा के कदम चाल करवाता और तेरे को पता चलता कि हुक्म कैसे तोड़ा जाता है। मिंजू क्या पता तू सादा थम क्यों होंदा। अरे फौज में थम का मतलब होता है रुक जाओ। जब हमारे कप्तान साहब काशन देते थम तो पूरी पलटन थम जाती है। तू सादे कप्तान भाषण दिन दे, सह पहले मंत्री थे क्या? अरे भाषण नहीं, काशन, हुक्म हुक्म। अच्छा हुन ए दसा, रोटी होर दिया कि थम करा? अरे तुम थम कैसे करोगी जब तक हम थम का काशन नहीं देते। रेशमा, ओ रेशमा, क्या गले, थोड़ा आराम करते हैं। थम। अरे हमारी शुरी हम पे चला दी ना। अच्छा गल सुना, मैं कल पियो कहने जा रहा, अम्मा दी बड़ी बुरी लगी है, पूरा 1 साल हो गया अम्मा कने मिलू दिया जो। कोई बात नहीं, हम कल ही कूच कर देते हैं आपके मायके को। क्या तुसा मेरे पियो किया था कूच करना? तीनी तो हाथा क्या बुरा कितिया जे तुहे तीना था कूच करना लगी पे। अरे रेशमा, कूच करने का मतलब है चलना, हम कल ही आपके मायके को चलते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बक्से पर बैठने की? तेरा बक्सा? हाँ ये फौजी का बक्सा है। छड़ा पलियो, ए तो मुआ शराबी है पर तू सदा नहीं आन। यहाँ गला ये बक्सा नहीं है, जनाना मंजा गया। बॉय लड़िया के बच्चे, तुम सिविलियन को क्या मालूम डिसिप्लिन क्या होता है? तुम सड़क पे दारू पीता है, हम बार में जाके रम पीता है। फौजी जीतता है डिसिप्लिन से तो मरता भी डिसिप्लिन से। मरिया साला शराबी, फौजी मरता भी है तो शान से। कैसा कैसा पौड़ा डाल देते हैं शराबी लोग। अच्छा अच्छा डर चुका बच्चे लगता बचाएगी। मैं भी जाना मुझे भी।